बीन्स खाने के अनगिनत फायदे हैं, तो आज हम बनाएंगे एकदम सुपर टेस्टी, बहुत ही आसान बीन्स की सब्जी। वो भी एकदम अलग तरीके से, इतनी ज्यादा टेस्टी ये लगती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि बीन्स की सब्जी किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है, एक थोड़े बड़े साइज के बर्तन में। फिर मैंने इसमें 250 ग्राम कटी हुई बीन्स ऐड कर दी है। बीन्स को मैंने पहले ही धोकर थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। 1/4 चम्मच से भी कम मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और ढककर बीन्स को लगभग 7 से 8 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। तो ब्लांच करने से क्या होगा कि बीन्स का जो कलर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगे। तो जब तक बीन्स हमारी बॉईल हो रही है, तब तक यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में 1/4 कप जितना फ्रेश नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दिया है। फिर 1 इंच जितना अदरक ऐड किया है, 4 हरी मिर्च ऐड कर दी है और 1 मीडियम साइज के टमाटर को भी रफली काट कर ऐड कर दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों का बढ़िया से अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो बीन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ब्लांच हो गई है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है ये। और आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो इसमें पानी है ये ना हम आगे सब्जी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीन्स को बॉईल करने के लिए उतना ही पानी ऐड किया था जितना कि सूखी सब्जी बनाने के लिए चाहिए। अगर आप इस सब्जी को थोड़ी ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून सरसों के तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 साबुत सूखी लाल मिर्च टुकड़े करके ऐड कर देंगे, 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 टेबल स्पून जितनी बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 1/4 छोटी चम्मच जितनी हींग ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लहसुन को हम तब तक पकाएंगे जब तक इस पे हल्का सुनहरा कलर नहीं आ जाता। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जैसे 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे बाकी सब चीज़ों के साथ। और इसके बाद हम इसमें तुरंत ही जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे और पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ध्यान रखिएगा कि हमने जो बीन्स बॉईल की थी उसी में का पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितना पानी बीन्स के अंदर था वो सारा पानी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और इसके बाद में हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये जो ग्रेवी है ये पूरी तरह से पक नहीं जाती, मसाला अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है लेकिन अभी पका नहीं है, तो इसे थोड़ी देर के लिए ढककर और पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो पूरी तरह से कुक हो गया है। तो बस अब हम इसे इतना ही पकाएंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे। और इसके बाद में जो बीन्स हमने बॉईल करके रखी थी, ब्लांच करके रखी थी, वो ऐड कर देंगे और बीन्स को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला। तो ये जो गरम मसाला है ये ऐड करना बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप गरम मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं सब्जी में तो इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं। ढककर सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है बीन्स की वो पूरी तरह से बनके तैयार है। सबसे लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और हरे धनिया को भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है ये सब्जी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है ये सब्जी बनाने में और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं
और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।